हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसे हम लोग NIT आंध्र प्रदेश बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि ये अपडेट किन के लिए और इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं इसमें आपकी जो पोस्ट है, देख लेते हैं। NIT आंध्र प्रदेश एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर्ड एज सच अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल, यानी क्या ये जो एप्लीकेशन है ये ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसके लिए फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी आई है, तो हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी जो फर्स्ट टेक्निकल वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर, सेकंड आपकी टेक्नीशियन, और थर्ड आपकी है सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल पोस्ट जो आपके आई हुई है वो दो पोस्ट है, टेक्नीशियन के लिए चार पोस्ट है और सीनियर टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है। चलिए देख लेते हैं इस पोस्ट में क्या 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 क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए फर्स्ट आपकी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं कि इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो क्या क्या है। सबसे पहले कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि इसको आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर किसी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको इस वेबसाइट पर www.nitandhra.ac.in पर जाकर के अप्लाई करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली इससे अप्लाई कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फी रखी गई वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ रखी गई, जो आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो पेमेंट करना है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की गई उसी से करना है, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप इसका पेमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके कि सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच कैटेगरी ग्रेड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो सारे पोस्ट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगी, और सबके आपको अप्लाई एप्लीकेशन फी भी अलग से पेड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके देख लीजिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कमेंस फ्रॉम 11 जून 2021, लास्ट डेट फॉर फिलिंग एंड सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10 जुलाई 2021, यानी कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 11 जून कल से स्टार्ट हो चुका है इसको अप्लाई करना, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 जुलाई तक रखी गई है, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ PDF प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19 जुलाई 2021, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन आपको जो भी अप्लाई करेंगे उसको PDF अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपकी लास्ट डेट उसकी प्रिंट करने की क्या है 19 जुलाई, यानी कि इस डेट तक आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसके बाद आपको प्रिंट निकालने की ऑप्शन नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसका रीजन क्या है कि प्रिंट आपको PDF क्यों चाहिए, क्योंकि आपको उसी PDF को प्रिंट कर करके पोस्ट करना है। अब पोस्ट का आपको जो टॉपिक रखना है वो क्या रखना है, सब्जेक्ट आपको रखना है एप्लीकेशन फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट ऑफ, अब जिस पोस्ट के अप्लाई करो यहाँ फिल करेंगे @NIT आंध्र प्रदेश, और आपको इस एड्रेस पे इसको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट से या किसी भी नॉर्मल पोस्ट से, ठीक है। वह देख सकते हैं आपको स्पीड पोस्ट या किसी रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको पोस्ट करना है, जो आपका पोस्ट है वो 19 जुलाई 2021 से पहले पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट का अप्लाई करें तो आपको सबके लिए अलग अलग से अप्लाई करनी पड़ेगी, और सारे पोस्ट का अलग अलग अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग यूजर ID भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि फॉर द पोस्ट अगेंस्ट सीरियल नंबर 328 सिलेक्शन विल बी डन इन 2 फेसेस, ठीक है। यानी कि आपका जो जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है उसकी जो सिलेक्शन होगी आपके 2 फेस में होगी। फर्स्ट आपकी होगी रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, और रिटन एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करेंगे उनको सेकंड आपका फेस होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। नेम ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, और उसके बाद जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनकी जो लिस्ट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए आप रेगुलरली इसको चेक करते रहेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो आपको पता चल जाए, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ID विल वी हैव टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जब होगा तो उसमें अगर आपसे मांगा जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आपके ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ है, चाहे वो आप आधार कार्ड हो, उनमें से कोई भी एक आपके पास ID प्रूफ होनी चाहिए, वो आपको उस समय देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास उस समय ओरिजिनल अवेलेबल नहीं होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी, जैसे चल आपकी आपको पहली पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, देख लेते हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और सारी क्राइटेरिया उसकी क्या रखी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, ठीक है, तो नेम ऑफ द पोस्ट क्या आपकी जूनियर इंजीनियर, इसके जो आप ये आपकी जो पोस्ट है वो आपकी ग्रुप B की पोस्ट है, ठीक है।
और इसके लिए जो आपकी पे स्केल रखी गई वो रखी गई 4200 ग्रेड पे रखी गई है, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है आपकी वो 30 ईयर्स है, यानी कि 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है। और इसके जो क्वालिफिकेशन रखे गए, हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है फर्स्ट क्लास BE BTEC इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपने बी या बी टेक सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, या आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल या इलेक्ट्रिकल, यानी कि फर्स्ट क्लास डिप्लोमा से आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल से पास आउट है, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके कि सेकंड आपकी जो पोस्ट है, जैसे कि आपकी जो सेकंड पोस्ट है वो आपकी है टेक्नीशियन की। सेकंड पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन की है, इसकी जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन आप देख सकते हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रुप सी, यानी कि ये आपकी जो पोस्ट है ग्रुप सी के पोस्ट है, ठीक है। इसकी जो ग्रेड पे रखी गई आपकी रखी गई 2000 ग्रेड पे इसकी है, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई वो 27 ईयर्स रखी गई, यानी कि आपकी जो एज है वो 27 ईयर्स रखी गई है। अब इसकी क्वालिफिकेशन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, यानी कि आपने इंटर किया हो ISC से, ठीक है, यानी कि आपने साइंस से इंटर किया हो, 12 किया हो, और आपके जो 60% मिनिमम मार्क्स हो, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक ये आपकी क्वालिफिकेशन है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपकी क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन इन एप्रोप्रिएटेड, यानी कि आपने 10+2 किया हो और आपके 50% मार्क्स हो, और साथ में आपने 1 साल का ITI या एक से ज़्यादा साल का आपने ITI किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है, या तो आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करें तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सेकेंडरी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन एप्रोप्रिएट, यानी कि आपने 10th पास किया हो, 60% मार्क्स आपके मिनिमम हो 10th में, और आपने 2 साल का ITI किया हो, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, आपकी थर्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी या तो आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हो 3 ईयर्स के, यानी अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, ठीक है। इन चारों में से आपने किसी भी क्वालिफिकेशन का फुलफिल करते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी जो सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट अब ऊपर आपको मैंने बता दिया था, क्लासिफिकेशन जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है इसकी जो ग्रेड पे रखी गई वो 2400 ग्रेड पे रखी गई, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई वो रखी गई 30 ईयर्स, यानी कि 33 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब इसकी भी क्वालिफिकेशन आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट आपकी सेंसर क्वालिफिकेशन रखी गई सीनियर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड, यानी कि अपने 12 आपने साइंस से किया और आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, आपकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। सेकंड आपकी है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर और हायर ड्यूरेशन, यानी कि आपने 12 किया हो और आपके 50% मिनिमम मार्क्स हो। यहाँ पर आपको बताया नहीं गया कि आपने 12 साइंस से किया कि आर्ट्स से कि कॉमर्स से, यानी कि आप सिर्फ सिंपल आपने 12 किया हो किसी भी स्ट्रीम से और आपके 50% मार्क्स मिनिमम हो और आपने 1 साल का या उससे ज़्यादा का ITI कोर्स किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपने इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई कि आपने 10th किया हो, आपके 60% मार्क्स हो और आपने साथ में 2 साल का ITI किया हो, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी थर्ड क्वालिफिकेशन की गई। फोर्थ आपकी कि आपने डिप्लोमा किया हो 3 ईयर्स का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ये 4 में से किसी भी एक में अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, 4 में से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, तो आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपके NIT आंध्र प्रदेश में आई हुई थी, और ये आपकी परमानेंट जॉब है, ठीक है। और ये आपकी परमानेंट जॉब है और ये पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जो टेक्निकल पोस्ट थी मैंने बता दिया कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, टेक्नीशियन की थी और सीनियर टेक्नीशियन थी, तो इन तीनों पोस्ट के लिए आपको BE BTEC या डिप्लोमा या आपने ITI किया तो इस पोस्ट का अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये अपडेट आपको अच्छा लगे इसे लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।